हैंड साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, 4cc की सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, लिक्विड कूल, DOHC फ्यूल इंजेक्टेड, TY80 सेक्शन की 17 इंचेस वाले ट्यूबलेस टायर। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर नितिन, यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। तो आज हम लोग जिस ट्यूबलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फुल्ली न्यू यासदी रोडस्टर। लुक्स के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर आपको नेकेड क्रूजर लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। कलर के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर आपको 5 डिफरेंट कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मोक ग्रे, स्टील ब्लू, हंटर ग्रीन, क्रोम गैलियंट ग्रे और क्रोम सिन सिल्वर कलर वेरिएंट देखने को मिल जाती है। लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको फ्रंट में LED DRL के साथ LED हेडलैम्प और LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको रियर में LED टेल लैंप के साथ LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम, साइड स्टैंड, ऑफ रोड और रेन रोड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ बाइक में आपको लो बैटरी, ओवरहीटिंग, ABS, न्यूट्रल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, इंजन मलफंक्शन और लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न स्विच और जॉयस्टिक डिस्प्ले कंट्रोलर भी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच, हैजर्ड स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन भी देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर माइलेज के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको 38 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको 334cc की सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, लिक्विड कूल, DOHC फ्यूल इंजेक्टेड, V6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जो आपको 29.7 PS की मैक्सिमम पावर और 29 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क इजीली अचीव करवा देती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। और तो और यासदी रोडस्टर की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क एंड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और उसी के साथ आपको रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विद गैस कनिस्टर देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाती है। टायर साइज के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको फ्रंट में 100x90 सेक्शन की 18 इंचेस वाली और रियर में 130x80 सेक्शन की 17 इंचेस वाले ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ यासदी रोडस्टर में आपको 790mm की सीट हाइट भी देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस और कार्बोरेट के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको 175mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 184kg की कार्बोरेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको राउंड शेप डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ अगर सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंफर्टेबल सीट कुशनिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा भी यासदी रोडस्टर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाती है, जो कि है अपसाइड डाउन हैंडल मिरर, हेडलाइट गार्ड, फ्रंट फोर्क कवर, शॉर्ट विंडशील्ड, रेडिएटर गार्ड, क्रैश गार्ड, टैंक पैड और पिलियन ग्रेबल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यासदी रोडस्टर स्मोक ग्रे वाला वेरिएंट आपको 2,01,142 रुपीज की एक्स शोरूम और 2,18,062 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। सेकेंडली यासदी रोडस्टर स्टील ब्लू और हंटर ग्रीन वाला वेरिएंट आपको 2,05,142 रुपीज की एक्स शोरूम और 2,22,130 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। थर्डली यासदी रोडस्टर गैलन ग्रे एंड सीन सिल्वर कलर वेरिएंट आपको 2,09,142 रुपीज की एक्स शोरूम और 2,26,197 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।